प्रमुख मायावती ने कहा, देश में इस बार 18वीं लोकसभा के चुनाव में खासकर कांग्रेस के इंडिया गठबंधन ने संविधान बचाओ और आरक्षण बचाओ आदि का हथकंडा इस्तेमाल करके इसकी आड़ में देश के विशेषकर भोले भाले एससी एसटी और ओबीसी लोगों को गुमराह करके उनका वोट लेकर अपने गठबंधन को मजबूत बना लिया, जिससे हमारी जैसी और पार्टियों को भी काफी नुकसान हुआ है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ गए हैं। राजीव, अब मायावती ने भी सीधे सीधे कांग्रेस पर निशाना साधा है, क्या लगता है कि अब आने वाले समय में अलायंस टूटता हुआ दिखाई देगा क्या? मायावती ने जिस तरीके से अब कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला है और कुछ प्रेस वार्ता कर हरियाणा चुनाव को लेकर जिस तरीके से बयान दिए हैं, उस बयान से कहीं ना कहीं क्या जो है वो गर्माती नजर आ रही है। यहाँ पर बात करें जाट समाज का जो वोट है बीएसपी की उम्मीदवारों को बिल्कुल नहीं मिला है, इस तरीके का बयान जो है वो मायावती के द्वारा दिए गए हैं। दूसरा यहाँ पर यह भी कहा गया है कि दलित वोट जो था वो आईएनडी को मिला है, यानी सपोर्ट जो है सारा कहीं ना कहीं उस तरफ चला गया। दूसरा चौटाला परिवार का जो जुटा हुआ जाट समाज का जो वोट था वो भी कहीं ना कहीं कहते हैं किसी कारणवश भाजपा को मिला, तो सीधा सीधा कहीं ना कहीं कांग्रेस को घेरने की मायावती जो है वो पूरी कोशिश करती नजर आ रही है। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जाट समाज का वोट जो है बीएसपी को मिलना चाहिए था, बीएसपी को उसको वोट नहीं मिला है, तो इसको लेकर आज सियासत जो है वो गर्माती नजर आ रही है। और जिस तरीके से कहते हैं जिस तरीके से ये कहा गया है कि मायावती के द्वारा क्या आईएनएलडी को जिस तरीके से कहते हैं दलित वोट जो है वो उनको मिला है, तो उसका कहीं ना कहीं फायदा कहीं ना कहीं जो उनको होना चाहिए था वो नहीं मिला है, तो बीएसपी कहीं ना अपने आप को अब कमजोर मानती नजर आ रही है। जिस तरीके से कांग्रेस को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश की जा रही है, तो इसका सीधे सीधे साफ जाहिर है आने वाले समय के अंदर और राजनीति माहौल जो है वो गर्माएगा और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जो है। राजीव, देखिए कल केजरीवाल ने भी कल यही कहा था कि अति आत्मविश्वास की वजह से हरियाणा में ये परिणाम आया है, तो क्या ये भी देख सकते हैं कि हरियाणा में ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कांग्रेस हारी, या फिर आपके साथ उसका अलायंस नहीं था इसलिए कांग्रेस हारी, या फिर सीधा बीजेपी के साथ टक्कर थी इसलिए? देखिए यहाँ पर बात करें हरियाणा चुनाव के, तो हरियाणा चुनाव के अंदर जिस तरीके से घमासान देखने को मिल रहा था, चुनावी प्रचार की बात करें तो चुनावी प्रचार के अंदर भी आम आदमी पार्टी जो है वो अपने आप को बहुत मजबूत मानती हुई नजर आ रही थी। दूसरा कांग्रेस का ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस का गढ़ है, तो कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर तो कांग्रेस को ही वोट जो है वो मिलते नजर आएंगे। और इसी को लेकर कहते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से भी ये कहा गया था कि दो राज्यों के अंदर उनकी सरकार बनेगी, मगर कल जैसे जैसे नतीजे आए उसके बाद कहीं ना कहीं सियासत जो है वो बदलती नजर आई। दूसरा यहाँ पर बात करें भाजपा को जिस तरीके से कहते हैं बढ़त मिलती नजर आई हरियाणा के अंदर, और उसको लेकर हरियाणा के आम आदमी पार्टी के संयोजक जो अरविंद केजरीवाल है उनकी तरफ से भी बयान देखने को मिला, मगर अब बीएसपी की तरफ से भी बयान देखने को मिल रहा, तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं हरियाणा चुनाव को लेकर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होती नजर आ रही है उससे तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं चुनावी वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं बीएसपी का और आम आदमी पार्टी का कमजोर है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इस तरीके की परेशानियां या ये फिर क्या है कि हार का जो सामना है वो करना पड़ा है। मगर आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार खड़े किए गए थे वो कहीं ना कहीं अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं हो पाए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को नुकसान भी होता नजर आया। और जिस तरीके से बीएसपी की बात करें तो बीएसपी का जो वोट बैंक कहीं ना कहीं जाट समाज के थ्रू या फिर दलित समाज के थ्रू उनको मिलना चाहिए था, वो वोट बैंक भी मायावती को नहीं मिला, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मायावती जो है वो अपने आप को अब कमजोर समझ रही है। और दूसरा यहाँ पर कांग्रेस को जिस तरीके से निशाना साधा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस के आस पास ही इस तरीके की रणनीति बनाई गई थी क्या कांग्रेस के द्वारा कहने की उनको मजबूती मिलेगी, यही कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से भी की गई थी और यही कोशिश जो है वो अब बीएसपी की तरफ से भी की गई थी, और अब दोनों ही कहीं ना कहीं कांग्रेस को निशाना साधते नजर आ रहे हैं। जी ठीक है राजीव, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।